नमस्कार, मेरा नाम सुनील प्रजापति है। मैं जीपीसी प्रतापगढ़ में सिविल में लेक्चरर हूँ। आज हम अपना जो सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कोड है CE206 सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, उसकी जो यूनिट वन है इंट्रोडक्शन, उसका अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्कोप ऑफ सोइल इंजीनियरिंग। जैसा कि मैंने पिछले जो है आपको टॉपिक में आपको डिस्कशन किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ सोइल इंजीनियरिंग, उसमें क्या था कि आपको मैंने सोइल का जो है आपको सोइल क्या होती है उसके बारे में बताया कि उसकी टर्म क्या होती है, जियोलॉजी में क्या होती है, एग्रोमोलॉजी में क्या होती है, और अपने जो जियोटेक या सोइल इंजीनियरिंग में क्या डिफिनेशन उसके बारे में था। अब मैं आज आपको जो है स्कोप ऑफ सोइल इंजीनियरिंग, मतलब सोइल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम अपन जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सोइल इंजीनियरिंग जो है अपने वेरियस जो सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन है उसमें इसका जो बहुत वास्ट जो है फील्ड है, एप्लीकेशन है इसकी सोइल की, कि विदाउट सोइल जो अपन कोई स्ट्रक्चर जो है सेफली जो है कैसे अपन ट्रीटमेंट करके उसको सेफली खड़ा कर सकें, इसके लिए काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है सोइल इंजीनियरिंग की जो हम डिस्कस करेंगे। और हम जो है ऑन और बिलो जो ग्राउंड है सोइल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और कोई भी स्ट्रक्चर है जैसे कि मान लो बिल्डिंग है, डैम्स है, टनल्स है, आपके जो है हाईवेज है, हाईवे कंस्ट्रक्शन है, उनमें जो ऑन ग्राउंड और बिलो ग्राउंड जो है सोइल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे या सोइल का जो क्या एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में अपन इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि सोइल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सोइल इंजीनियरिंग हैज़ वास्ट एप्लीकेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस सिविल इंजीनियरिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी बहुत ज़्यादा जो वास्ट जो है एप्लीकेशंस हैं सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन पर्पज़ की। सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन आर एज अंडर, मतलब कुछ जो इसकी मेन इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशंस है, ऐसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो, पर मेनली जो मैंने आपको जैसे बताया कि बिल्डिंग हुई, डैम्स हुए, टनल हुई, हाईवे हुआ, इस तरह के में इनकी मेन जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला अपन जो है स्टार्ट करेंगे इसमें फाउंडेशन। फाउंडेशन का क्या है, एवरी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर वेदर इट इज़ अ बिल्डिंग, अ ब्रिज और अ डैम इज फाउंडेड ऑन और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है वो कोई भी बिल्डिंग हो, डैम हो, ब्रिज हो, हाईवे का कोई भी और मटेरियल हाईवे बना रहे हों, तो ये सब जो है या तो ये कहाँ होते हैं, या तो ये सरफेस पे होते हैं या सरफेस के बिलो इनका रहता है बेस। फाउंडेशन आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर टू सोइल सेफली एंड एफिशिएंटली, मतलब फाउंडेशन का क्या पर्पज़ होना चाहिए कि वो जो बिल्डिंग है या जो भी स्ट्रक्चर है, अपर स्ट्रक्चर है, उसका जो लोड है वो सेफली और एफिशिएंटली जो है वो सोइल में ट्रांसफ़र कर दे, जो बिल्डिंग है उसका लोड से जो है या फिर जो भी कोई और स्ट्रक्चर है उसका जो लोड है वो सेफली जो है वो सोइल पे जो है ट्रांसफ़र कर दे एफिशिएंटली और सेफली, ये फाउंडेशन का काम होता है। फाउंडेशन इज टर्म्ड सेलो फाउंडेशन व्हेन इट ट्रांसमिट द लोड टू अपर स्ट्राटा ऑफ अर्थ, मतलब अगर कोई ऐसी फाउंडेशन जो लोड को जो है अपर स्ट्राटा ऑफ अर्थ है ना, ऊपर की जो परत है पृथ्वी की उस पर जो है उसको लोड को ट्रांसफ़र करे, तो ऐसी जो फाउंडेशन है वो कहलाती है, मतलब टॉप लेयर है वहाँ तक आपको जो ट्रांसफ़र करे लोड को, तो वो सेलो फाउंडेशन होती है। इसका जो है मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा कि ये सेलो फाउंडेशन किस तरह की होती है, फिगर में अपन देखेंगे भी। अब फाउंडेशन इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन व्हेन द लोड इज ट्रांसमिट टू स्ट्राटा एट अ कंसिडरेबल डेप्थ, मतलब जो स्ट्राटा को जो वो जो लोड को है वो एक कंसिडरेबल मतलब काफ़ी डेप्थ में जाके उसको लोड को ट्रांसमिट
करें तो वैसी जो फाउंडेशन हो डीप फाउंडेशन होती है। डीप फाउंडेशन अपन क्यों यूज लेते हैं कि जो कई बार सोइल में ऐसा होता है कि जो आपकी टॉप लेयर है वो ज़्यादा गहराई में जाके अपने को एक अपने को एफिशिएंट या सेफ जो है सोइल वो मिलती है, तो वहाँ जाके अपने को उसको लोड को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। काफ़ी लंबी लेयर के बाद जो है वो सेफ जो है साइड आती है, इसलिए अपन डीप फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। पाइल फाउंडेशन इज़ अ टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन, मतलब ये पाइल जो फाउंडेशन है ये डीप फाउंडेशन का एक टाइप ही है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ सोइल इंजीनियरिंग। फाउंडेशन जो है सोइल इंजीनियरिंग की एक इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ब्रांच है सोइल इंजीनियरिंग की, कि फाउंडेशन के बिना जो है आप कोई भी स्ट्रक्चर जो है खड़ा करना मुश्किल है। हम जो है अभी पढ़ रहे थे सेलो फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। ये फर्स्ट वाली जो फाउंडेशन है वो सेलो फाउंडेशन है, ये जो अपर लोड को है वो एफिशिएंटली जो है वो एक टॉप लेयर है सोइल की वहाँ तक जो है इसको सेफली लोड को ट्रांसफ़र कर रही है। इसमें देखो आप, ये लोड लग रहा है, ये कॉलम है जैसे, और ये नीचे फुटिंग है, तो ये लोड को जो कॉलम के माध्यम से ये फुटिंग के द्वारा सोइल में ट्रांसफ़र कर रही है, तो ये सेलो फाउंडेशन हुई इस तरह की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें फाउंडेशन आर रिक्वायर्ड ट्रांसमिटर लोड ऑफ स्ट्रक्चर वो सेफली एंड एफिशिएंटली, तो ये ऐसी फाउंडेशन है जो सेलो फाउंडेशन व्हेन ट्रांसमिट द लोड अपर स्ट्राटा ऑफ द अर्थ, ये अपर स्ट्राटा है, यहाँ तक ही अपने को जो है ये लोड को ट्रांसफ़र कर रही है, क्योंकि यहाँ जो सोइल है अब ये ठीक है कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए जो ये सेफ है, तो यहाँ तक ये लोड ट्रांसफ़र कर रही है। दूसरे केस में है डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो है सोइल जो है सुटेबल सोइल है वो अपने को कंसिडरेबली मतलब गहरी डेप्थ में जाके मिल रही है, इसीलिए वहाँ अपने को डीप फाउंडेशन का यूज़ करना पड़ रहा है। जैसे डीप फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन थी, तो इसमें देखो ये पाइल्स बनी हुई है, कॉलम की तरह पाइल्स बनी हुई है, ये जहाँ तक हार्ड स्ट्राटा नहीं आ जाता जहाँ वहाँ तक उसको जो है पाइल फाउंडेशन को अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो हार्ड स्ट्राटा पे ये पाइल्स हैं जो स्टेबल हो जाती है, क्योंकि ये इसके जो बीच में है ये सोइल जो है ये स्टेबल नहीं है, कि ये आपको सेफ नहीं है आपको बिल्डिंग के लोड को जो है बियर करने के लिए, इसीलिए ये हार्ड स्ट्राटा तक अपन गए हैं। जहाँ तक भी अपने को हार्ड स्ट्राटा मिलता है वहाँ तक इसमें पाइल फाउंडेशन में अपन जाते हैं, और ये जैसे ही है ये कॉलम और लोड ये ग्राउंड लेवल पे इस पर टिका हुआ है, तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है पाइल फाउंडेशन में। तो ये पहला जो अपने स्कोप ऑफ सोइल इंजीनियरिंग का है फाउंडेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फाउंडेशन। अब लेटर ऑन अपन जो है डिस्कस करेंगे इनके अलग अलग, क्या इनके प्रेशर अर्थ प्रेशर है फाउंडेशन है, और क्या अलग अलग टाइप की फाउंडेशंस हैं वो कहाँ कौन कौन से स्ट्रक्चर में काम आती है, उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। दूसरा अपन पढ़ते हैं रिटेनिंग स्ट्रक्चर। दूसरा ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर में जो है अपन सोइल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन है, व्हेन सफिशियंट स्पेस इज नॉट अवेलेबल फॉर अ मास ऑफ सोइल टू स्प्रेड एंड फॉर्म अ सेफ स्लोप, अ स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड टू रिटेन द सोइल। मतलब अपने को जो है सोइल मास में क्या है कि एक जो आपने को सफिशियंट स्पेस नहीं मिलता सोइल मास के लिए फैल जाने के लिए, तो और सेफ स्लोप बनाने के लिए, कि ऐसी सोइल है जो अपने को कंसीडरेबल जो अपने को स्प्रेड करने के लिए सोइल मास को अपने को मिले नहीं स्पेस, तो अपन जो है इस तरह की जो है रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो है अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कीप द सोइल एट डिफरेंट लेवल ऑन इट्स आइदर साइड। मतलब ये अपन रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जो अपने के जो सोइल को है वो अलग अलग लेवल पे रखता है। वो कैसे रखता है वो अपन ये देखो, ये पहला स्ट्रक्चर है, ये रिटेनिंग वॉल बना रखी है। अब ये रिटेनिंग वॉल क्या होती है,
इसमें ये देखो ये कंस्टेबल स्टीप इसकी स्लोप बनी हुई है, स्टोप स्लोप बनी हुई है, तो ये सोइल को अलग अलग जो है लेवल पे रखी हुई है, जैसे लिखा हुआ ना एंड अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कीप द सोइल एट डिफरेंट लेवल। अब ये जैसे स्लोप में है तो ये अलग, यहाँ इसकी लेवल अलग होगी, डिफरेंट लेवल यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, तो ये अलग अलग जो है, मैं फर्स्ट डायग्राम की बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड की, तो अलग अलग लेवल पे है। द रिटेनिंग स्ट्रक्चर में बी अ रिजिड रिटेनिंग वॉल और अ सील पाइल्ड बल्क हेड। मतलब रिटेनिंग स्ट्रक्चर वो किस तरह का होता है, रिजिड रिटेनिंग वॉल, ये जो ये वॉल है ये फर्स्ट वाली ए वाली वो रिजिड रिटेनिंग वॉल हो गई, और दूसरा है ये सीट पाइल की तरह जो आपको दिखा बता रखा है इसमें, सीट पाइल बल्क हेड, ये इस तरह के दो जो है अपने को रिटेनिंग स्ट्रक्चर हैं ये एग्जांपल। तो और भी होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं, पर ये दो मेनली हैं। इन दोनों का जो है आपको ये जो है सोइल को जो अपने को सोइल मास को स्प्रेड होने के लिए अपने को कंसीडरेबल जो है स्पेस नहीं मिलता, तब जो है अपन ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं। इसकी जो है ओवरऑल कंक्लूजन ये है, सोइल इंजीनियरिंग गिव द थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर ऑन रिटेनिंग स्ट्रक्चर। मतलब इनके जो अर्थ प्रेशर है वो भी लगता है रिटेनिंग स्ट्रक्चर पे, उनकी सोइल इंजीनियरिंग में अपन जो है इसका थ्योरीज अपन लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं, रैंकाइन थ्योरी या अलग अलग थ्योरीज हैं जो अर्थ प्रेशर की जो है वो रिटेनिंग स्ट्रक्चर पे जो अर्थ प्रेशर लगता है उनकी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि ये रिटेनिंग जो है वॉल है, इसको अपन इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये जो है इसका सोइल मास का जो है कंसीडरेबल अपने को जो है ये इस तरह का क्यों डिज़ाइन किया है, ये अपन लेटर ऑन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अर्थ प्रेशर की कारण ये किस वजह से है। ये स्टीप स्लोप में है तो ये कंसीडरेबली अलग अलग जो है लेवल पे सोइल है इसमें लगी हुई है। ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है आपके रिजिड रिटेनिंग स्ट्रक्चर, दूसरा जो स्ट्रक्चर है अपने वो है सीट पाइल। सीट पाइल जो स्ट्रक्चर है वो है अलग अलग जो है अपन जो है इसमें जो है रिटेनिंग स्ट्रक्चर में भी रिजिड और सीट पाइल बल्क हेड विच रिलेटिवली फ्लेक्सिबल। मतलब ये इसकी कंपैरिजन में रिलेटिवली फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसमें देखो इसका स्ट्रक्चर है इस तरह का, इसमें क्या है एक सीट पाइल है, ये वो सोइल है, और ये इसका जो अलग लेवल पे आपके अर्थ प्रेशर जो है वो लग रहा है कि इसमें एक कंसीडरेबली जो है वो थिकनेस इसकी जो है कम है और ये लोअर डेप्थ तक है, तो अपन इसको जो थोड़ा सा जो है कंसीडरेबली जो है अपनी को उसको इसकी कंपैरिजन में फ्लेक्सिबल अपन मान सकते हैं। तो ये दो तरह के जो हैं आपको स्ट्रक्चर हो गए। मैंने आपको जो है अभी इसके बारे में जो है स्कोप ऑफ सोइल इंजीनियरिंग के दो ही जो आपको जो है टॉपिक बताए हैं। पहला मैंने आपको बताया फाउंडेशन, फाउंडेशन का जो है कौन कौन सी फाउंडेशन है इसमें और ये क्यों इम्पोर्टेंट है फाउंडेशन की, ये बिल्डिंग और डैम और जो अदर स्ट्रक्चर है उनका जो है लोड को जो है सोइल पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें आपने सेलो फाउंडेशन देखी थी और एक अपने पाइल फाउंडेशन देखी थी, दो तरह की फाउंडेशन अपने इसमें डिस्कस की थी। दूसरा जो है इसमें अपने रिटेनिंग स्ट्रक्चर का जो है डिस्कस किया है कि रिटेनिंग स्ट्रक्चर में ये किस तरह के रिटेनिंग स्ट्रक्चर हैं, एक रिटेनिंग वॉल है और एक सीट पाइल आपको डिस्कस की। बाकी की जो है इसमें और भी स्कोप्स हैं वो अपन अगले टॉपिक में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको ये चीज़ें जो है